हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर गोइंग टू डील विद द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शंस। तो एक्चुअली में हम आपको बता दें कि केमिकल काइनेटिक्स जो है वो भौतिक रसायन की एक शाखा है और इसका अध्ययन हम इसलिए करते हैं कि इसमें हम अभिक्रिया के वेग का मापन करते हैं। ठीक है, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसका हम अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ अभिक्रिया कैसे होती है इसका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये बता दें कि किसी भी अभिक्रिया में दो साइड होती है। ठीक है, जैसे आप इस अभिक्रिया को ले लीजिए, लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पर देखिए लेफ्ट एंड राइट, किसी भी अभिक्रिया को ले लीजिए, तो जो भी ये जो आपका है ये आपका रिएक्टेंट कहलाता है या अभिकारक कहलाता है और ये रो के जो माउथ साइड होता है ये आपका प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा है, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, यानी ये आपके अभिकारक और ये आपके उत्पाद। ठीक, यहाँ पे देखिए ये अभिकारक ये उत्पाद। सेम वे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो अभिकारक है, ठीक है, वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक को हम अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के भाग लेने वाले का, जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल ले लें, यहाँ पर हम जो है क्या कर लेते हैं, ये चीनी ले लिया। ठीक, ये एक अभिकारक होगी और ये वाटर है, इसमें ये दूसरा अभिकारक होगा। ठीक है, अब एक्चुअली में ये तो हो गया अभिकारक, अब उसके फलस्वरूप हमने चीनी को इसमें डाल दिया और हमने इसको जब थोड़ी देर हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टीयर कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये जो आपका दो अभिकारक है ये मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, और ये नए उत्पाद का जो निर्माण कर देते हैं इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट किस नाम से जाना जाता है हम आप सभी जानते हैं, उस प्रोडक्ट को हम किससे जानते हैं, उस प्रोडक्ट को हम शरबत कह सकते हैं। तो अभिकारक कौन कौन से हुए, चीनी और पानी, और उसके फलस्वरूप जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसके फलस्वरूप जो बना उत्पाद उसको हम जो है प्रोडक्ट कह देते हैं। ठीक ना, अब मान लीजिए कि ये जो उत्पाद बना, मान लीजिए गर्म पानी गर्म कर देते इसको तो चीनी और जल्दी गल जाती। ठीक है ना, यानी इस पर जो अभिक्रिया हुई, यानी शरबत बनने की जो अभिक्रिया हुई इस पर अगर इसको गर्मा देते तो जल्दी चीनी घुल जाती, आप देखते हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार हम अन्य फैक्टर का भी इस पर प्रभाव करेंगे। अब देखिए पूर्ण रूप से जो है ये क्या हो गया आपका शरबत हो गया, देखिए प्रोडक्ट बन गया। तो लेट अस डिस्कस समथिंग। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका वेग के आधार पर जो रिएक्शंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, तीव्र या वेरी फास्ट, इसको आयनिक रिएक्शन भी कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, प्रेसिपिटेट और यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन। तो ये प्रेसिपिटेशन जो होता है इसमें क्या होता है कि प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट जो है वो नीचे तलहटी में बैठ जाता है, जैसे NaCl नमक और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का जो हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें सोडियम नाइट्रेट मिलता है और सिल्वर क्लोराइड मिल जाता है। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में जल बनेगा और सार बनता है। ठीक ना, यहाँ हम दो चीज़ों का रिएक्शन कराते हैं, एसिड और बेस का। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ए प्लस बी यानी एसिड और प्लस बेस दोनों का रिएक्ट कराते हैं तो हमें सार मिलता है और हमें H2O की प्राप्त होती है। ये जो प्रोसेस है ये उदासीनीकरण लाती है, इसका जो है हम वेग नहीं माप सकते, ये क्षण में होती है, सेकंड में या मिनटों में। दूसरी जो अभिक्रिया है वो वेलोसिटी के आधार पर उसको हम कह देते हैं मंद अभिक्रिया और स्लो रिएक्शन कहते हैं। स्लो रिएक्शन में आप ये देखिए कि यहाँ पर हीट प्रोसेस के द्वारा जो है ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है वो N2O4 और ऑक्सीजन में तब्दील हो गया। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड वो हाइड्रोजन और सल्फर में तब्दील हो गई और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो जल
और ऑक्सीजन में तब्दील हो गई। यहाँ ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और ये जो स्लो रिएक्शन है इनको हम आसानी से इनके जो है वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं या इनके वेग को माप सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो बंधन बनते हैं बंधन टूटते हैं यानी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्लीवेज वो दोनों जो है बहुत ही आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सक्रिया हैं। उसके बाद अतिमंद क्रियाएं, ये जो है महीनों होते हैं, सालों लग जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आप देख रहे हो कि ये आपका करोजन प्रोसेस है, लोहे पर जंग लगने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही धीमे होती है, इसका भी मापन बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो जल बनने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है, कई महीनों कई वर्षों लग जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है आपकी अतिमंद क्रिया, इनका भी मापन नहीं किया जा सकता है। तो हमने ये जाना कि क्रियाएँ जो है वो वेग के आधार पर तीन प्रकार की होती है। अब हम जो है इधर इस प्रोसेस इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्शन दी है ये जो है आपका इक्वेशन दी है वो dx/dt डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो ये आपका वेग है यानी क्रिया का वेग है, ये वेग स्थिरांक और कंसंट्रेशन के क्या होते हैं गुणनफल के बराबर होता है। इसका जो मात्रक है वो मोल है ना लीटर इनवर्स वन और सेकंड इनवर्स वन होता है। अब क्रिया दर जो होती है रेट ऑफ रिएक्शन वो एक्चुअली में जब हम समय के साथ जो है किसी भी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन जो है, ठीक है, समय के साथ वो अभिक्रिया की दर कहलाती है। अब आते हैं हम एक रिएक्शन ले लेते हैं a+b = c+d। तो यहाँ पर देखकर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो माइनस से डिनोट की गई है और ये कंसंट्रेशन को दर्शाता है। ये जो बड़े ब्रैकेट में a को रखा गया है ये कंसंट्रेशन को दर्शाता है। तो इधर जो ये रिएक्टेंट्स है यानी इनकी सांद्रता घट रही है a और b के, देखिए दोनों तरफ ये क्या है, दोनों तरफ माइनस चिन्ह है, ठीक है। तो इसमें जो है अभिकारक की सांद्रता घट रही है और प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट देखिए सी और डी ये प्रोडक्ट्स हैं और इन पे देखिए प्लस साइन है यानी इनकी सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है। तो अभिकारक की सांद्रता में क्या होता है डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशन उसमें इंक्रीज हो रहा है। जब हम इसको ड्रा करते हैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम तो हमें क्या प्राप्त होता है कि देखिए यहाँ पर ये जीरो से जो है लगातार जो उत्पाद की जो है सांद्रता बढ़ती जा रही है और यहाँ से लगातार क्या हो रही है कि समय के साथ ये जो अभिकारक है इसकी सांद्रता क्या हो रही है लगातार घटती जा रही है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया।